मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। कॉलर्स में एवी रोड मानीपुरा स्थित कृषि उपज मंडी से 21 अक्टूबर को फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके मुनीम की कुछ लोगों ने लूट कर दी है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने लूटी हुई रकम भी बरामद की है। यहां बता दें कि अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के कारण प्रयास किए गए, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि उक्त लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपीगण कॉलर्स बाईपास बड़ौता पुल के पास खड़े हैं एवं कहीं भागने की फिराक में है। थाना प्रभारी कॉलर्स द्वारा मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया एवं पुलिस की टीम बनाकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो तीन लोग बताए हुलिये के दिखे, जो पुलिस को अत्यधिक भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें हमरा पुलिस की फोर्स की मदद से पकड़ लिया गया। आरोपियों ने अपना जुर्म करना भी स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उक्त आरोपियों से लूटा गया फरियादी का बैग, जिसमें चेकबुक, लेटर पैड, बिल बुक, कॉपी, कैलकुलेटर एवं मंडी का कट्टा एवं लूट के रुपयों में से इनके से आए रुपये 105,000 रुपये तथा घटना उपयुक्त साविर खान की सफ़ेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की है। घटना के शेष आरोपिया भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कॉलर से खबर और पुल के लिए मुकेश गौर की खबर। क्या मामला है, उसको क्या होता है, गिरफ्तार नहीं है। ये पिछले महीने की घटना है 21 अगस्त की, यहाँ पे मंडी व्यापारी के जो मुनीम है जो पैसा लेके बैग से निकल रहे थे, तो उनको एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार के पैसे लेके भाग गया। तो एक थोड़ा सा उसके सस्पेंशन मामला था कि मंडी में इस तरह की वारदात दिन में हो गई थी, जिस पर से विशेष के साथ में यहाँ पे टीम बनाई गई थी, जिसमें जो कि हमारे कुलदास अमरनाथ वर्मा TI आलोक भदौरिया कोलारस के और इनकी टीम सब इंस्पेक्टर योगेंद्र सिंगल और बाकी लोग लगे हुए। सर कितने लोग गिरफ्तार किए गए? इसमें हम लोगों को अच्छी सफलता मिली है और इसमें हम लोगों ने भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें एक स्थानीय जो रेकी कर रहा था कि ये मुहिम जो जब भी जाते आते हैं तो उनके पीछे 2-3 कई दिनों से रेकी कर रहा, उसी ने इनको टिप दी थी कि 20 लाख तक का सामान मिलेगा और 3 लाख की फरियादी को अंदाजन था कि कुछ पैसा है। अभी जो पकड़ाए हैं इन्होंने 2,17,000 उसमें से जाना बताया, जैसे कुछ फटे नोट थे और अभी उनसे 1,05,000 रिकवर हुए हैं 3 लोगों से। इनका बताना है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 5 लोग थे और एक इनकी रेकी करने वाला स्थानीय आदमी था। ये 5 जो हैं गुनाह के आरोपी हैं, पहले के इनके कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं और ये यहाँ पर वारदात करी तो एक मोटरसाइकिल से 3 लोग थे व्हाइट रंग के अपाचे में, इन्होंने टक्कर मारी थी फरियादी को और फरियादी जब गिर गया तो दूसरी मोटरसाइकिल काले रंग की मोटरसाइकिल में 2 लड़के थे, वो जो गाड़ी बैग लेके भागे थे बलोदा तरफ निकले थे। मैंने उससे नहीं निकला था, पुलिस की चेक बंदी उसने नहीं पकड़ाया, लेकिन अब ऐसे मोटरसाइकिल व्हाइट अपाचे मिल गई है, 1,05,000 मिल गए और बैग था वो बैग भी और उसमें रखा सामान भी रिकवर किया गया। हथियार वगैरह तो नहीं इसमें, अभी हथियार इसमें अभी नहीं मिले, इनके हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ी थी इनको और भी बाकी 3 आरोपी फरार हैं तो उनको और